गाजियाबाद के लोनी से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पश्चिम बिहार दिल्ली निवासी अंकित बत्रा पुत्र अर्जुन देव शराब पीने का आदि था। शराब की लत लगने से परेशान परिजनों ने उसे 1 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक लोनी के खानपुर मोड़ के पास अविष्का फाउंडेशन द्वारा संचालित विपिन ठाकुर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया था। केंद्र का पता उन्होंने गूगल से सर्च कर निकाला था और आदत में सुधार होने के बाद परिजन उसे वापस घर ले आए थे। परिजनों ने बताया कि 15 मार्च की रात अंकित ने शराब के नशे में विपिन ठाकुर से मोबाइल पर बातचीत की थी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर जमकर कहासुनी और गाली गलौज हुई थी, जिसके बाद नाराज विपिन ठाकुर ने 16 मार्च की सुबह करीब 6:30 बजे अंकित की पत्नी अंकिता को फोन कर बताया था कि अंकित की हालत ठीक नहीं है और उसे उपचार के लिए दोबारा नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना पड़ेगा। कुछ देर बाद ही विपिन ठाकुर अपने 4 साथियों के साथ पश्चिम बिहार दिल्ली उसके घर पर पहुंच गया और उसे जबरन गाड़ी में डालकर नशा मुक्ति केंद्र पर ले आया। आरोप है कि विपिन ठाकुर ने उसे लाते समय परिजनों को उसका परमानेंट उपचार कराने की चेतावनी दी थी। परिजनों का आरोप है कि गाली गलौज से नाराज विपिन ठाकुर ने अंकित बत्रा की पीट पीट कर हत्या कर दी और रात में नशा मुक्ति केंद्र का ताला बाहर से बंद कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। इस पर जानकारी देते हुए ACP रजनीश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र अविष्का फाउंडेशन के नाम से राम पार्क एक्सटेंशन क्षेत्र में, जो कि खानपुर मोड़ के पास में ट्रॉनिका सिटी यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर चलाया जा रहा था एक घर में जो कि ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर का है और काफ़ी छोटा एक सेंटर है। मैंने घटनास्थल का विजिट किया तो देखा है कि वहाँ पे उसके साथ 7-8 अन्य लोग भी हैं वहाँ पे, और इसको जो इसका संचालक है उसका नाम विपिन ठाकुर है। इसमें अंकित बत्रा नामक व्यक्ति की जो आरोप है उसमें कि इन लोगों ने मारपीट करके विपिन ठाकुर और उसके 4 अन्य साथियों के द्वारा मारपीट करके उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर ट्रॉनिका सिटी थाने में FIR पंजीकृत की जा रही है और जल्द ही जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की विधि कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी लोनी से हमारे संवाददाता प्रमोद गर्ग की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।